कर्पूर करुणावतारम संसारी साधम बुझ देंगे हारम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो भगवान करे सब अच्छे हो जाए। हैप्पी सावन। तो आज से सावन स्टार्ट हो गया है ना, पूरा एक मंथ के लिए। तो आज से भोला बाबा का दिन, वैसे तो हर दिन हर एक भगवान के होता है, लेकिन सावन में स्पेशल महादेव का दिन रहता है ना। भोला बाबा का पूजा किया जाता है कि नहीं। और जितना तीर्थ धाम है शिव जी का, वहाँ सब पे जाया जाता है, पूजा किया जाता है ना। क्योंकि सावन जो है सो महादेव जी के लिए है कि नहीं। तो आप सभी सोमवारी कर रहे हैं कि नहीं। इस बार बहुत अच्छा दिन पड़ रहा है। फर्स्ट दिन जो है सोम से शुरुआत है और लास्ट दिन भी जो है सोम से ही खत्म है ना। फर्स्ट दिन सोमवारी से स्टार्ट है और लास्ट दिन पूर्णिमा जो है वो भी सोमवारी से खत्म है ना। और ये सावन कैसे बीत जाता है ना, एक ऐसे देखिए, देखने में तो एक मंथ का है, लेकिन कैसे एक मंथ सावन बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता। हाँ, क्योंकि हर एक दिन पूजा पाठ करने का दिन रहता है। तो पूजा पाठ करते करते ये मंदिर, ये तीर्थ, वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के पूजा करना है, कैसे एक मंथ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये तो अच्छी बात है। तो पता है सावन स्टार्ट जब होता है उसके बाद छठ पूजा तक के सिर्फ पूजा ही पूजा होता है। हर एक भगवान का त्यौहार आता है, सबसे पहले शिव जी का पूजा से स्टार्ट होता है और लास्ट में जो है छठ पूजा में जा करके खत्म होता है। और बीच में सारे भगवान देवी देवता के पूजा होता है। सबसे ज़्यादा पूजा जो है सारे देवी देवता में दुर्गा पूजा जो होता है वो पूजा सारे देवी देवता के लिए है। बाकी हर एक पूजा अकेले अकेले भगवान जी का होता है। गणेश पूजा हो जाता है, विश्वकर्मा पूजा होता है, कृष्ण पूजा होता है ना। ये सब पूजा में सिर्फ अकेले अकेले भगवान जी का पूजा होता है, लेकिन दुर्गा पूजा में सारे देवी देवताओं का पूजा होता है ना। हाँ, तो आज मेरे यहाँ बन रहा है कुंदरी का भुजिया। देखिए कुंदरी के भुजिया में सबसे पहले हम तेल गरम करने के बाद कुंदरी डाल देते हैं। कुंदरी थोड़ा लाल हो जाता है, फिर जा करके जो है सो ये प्याज डालते हैं। तो अगर प्याज हम पहले दे देते हैं तो प्याज जल जाता है, इसीलिए कुंदरी का भुजिया में कुंदरी सबसे पहले पड़ता है। तो आज का मौसम बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है। नहीं गर्मी है और नहीं तो ठंडा है, मीडियम मौसम है, हवा चल रही है तो अच्छा अच्छा सा लग रहा है। और आसमान में भी जो है सो बादल लगा हुआ है, तो कड़ाके की धूप नहीं है। तो यही है सावन। सावन में जो है ना सो बारिश, आंधी, तूफान, ये सब सब होता है। बारिश का दिन ही होता है सावन, सावन का महीना ही होता है बारिश का दिन। हाँ, इसीलिए लोग सावन इंतजार करते रहता है, कब सावन आएगा तो बारिश होगा, कब सावन आएगा तो बारिश होगा। लेकिन इस बार अभी तो सावन स्टार्ट हो गया है, लेकिन देखिए बारिश होती है कि नहीं, है ना। तो आज फ्रिज में कौन सा सब्जी है? फिर से ये घिउरा और परवल। ओ माय गॉड, तो फिर से आज इसमें से कुछ बनाएंगे। क्या बनाएं? परवल, परवल ही बनेगा आज। चलिए परवल निकाल लेते हैं। गुड मॉर्निंग अंकिता। तो ये है अंकिता बीमार लड़की। तो मिलिए मेरे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे से। देखिए सबसे ज्यादा फुर्ती मेरे घर में अगर किसी में है तो वो है ये मछली रानी। इतना फुर्ती है इसमें, देख रहे हैं कैसे इधर से उधर, इधर से उधर। ओह माय गॉड। तो हम नहा धुआ के हो गए हैं रेडी, अब पूजा की तैयारी में जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम भगवान जी के कपड़ा चेंज करेंगे,
है ना, पहले से जो कपड़ा पहनाए हुए थे वो हटा करके दूसरा कपड़ा पहना रहे हैं, फिर आगे पूजा की तैयारी करेंगे, है कि नहीं। भोला के देखेला बेकल भेले जियरा, भोला के देखेला बेकल भेले जियरा, के चढ़ाबे पाने फूले के बेले पतिया, के चढ़ाबे पाने फूले के बेले पतिया, के चढ़ाबे आहो भोला धथुरा के पतिया, के चढ़ाबे आहो भोला धथुरा के पतिया। भोला के देखेला बेकल भेले जियरा, भोला के देखेला बेकल भेले जियरा, पंडित चढ़ाबे पान फूल पुजारन बेले पतिया, पंडित चढ़ाबे पान फूल। तो हस्बैंड जी भी नहा धुआ के हो गए हैं रेडी, अब हस्बैंड जी भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पहले भगवान जी का फोटो सब साफ करेंगे, वो हस्बैंड जी कर रहे हैं, और हम भी हस्बैंड जी के साथ में मिल करके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और पहले हस्बैंड जी पूजा करेंगे, फिर हम भी पूजा करेंगे, है ना। तो आप लोग भी, आज सावन का फर्स्ट दिन है और सोमवारी भी है, तो क्या आप लोग भी पूजा किए, मंदिर गए, घर में किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं। तो शिव जी का पूजा होता है भांग फूल धतूर और बेलपत्र, सबसे इम्पोर्टेंट है शिव जी के पूजा में बेलपत्र, है ना। तो हस्बैंड जी जो है इधर पूजा के थाल सजा रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं भगवान जी के फूल बेलपत्र हस्बैंड जी चढ़ा लिए हैं, जल भी ढार लिए हैं। और इधर तो आज जो है ना से फूल में थोड़ा सा कमी आ गया है, क्योंकि आज शिव जी का दिन है तो आज मंदिर पे भीड़ लगता है, तो फूल वाले भैया सबका बिक्री ज़्यादा रहता है, तो आज फूल में थोड़ा सा कमी हुआ है, लेकिन फूल में सारा चीज़ मिला है, हैं देख रहे हैं ना आप लोग, फूल में सारा चीज़ है। इधर पूजा का प्लेट सज चुका है, तो इधर सारा फल है पूजा के लिए, वो हम काट ले रहे हैं फटाफट से, है ना, जल्दी जल्दी पूजा हो सके। तो हस्बैंड जी पूजा करके चल गए हैं और हम भी पूजा कर रहे हैं, अब आरती करेंगे शिव जी की, है ना। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, ओ स्वामी पंचानंद राजे, हंसासन गुरुरासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकार। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसारी सादम भुज देंगे हारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम, भवानी सरत्याम नमामि, तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधु च सखा, तमेव तमेव विद्या दर्विंगं, तमेव तमेव सर्वं मम देव देव।
तो आज सावन का फर्स्ट दिन और पहला सोमवारी का पूजा हो गया है। हम मंदिर नहीं गए हैं, मंदिर लेट हो जाता है बहुत, तो इसीलिए अगले सोमवारी को जाएंगे हो सकता है। तो अभी आज तो फर्स्ट सोमवारी था, अभी चार सोमवारी और है ना। तो मेरा पूजा हो गया है संपन्न। चलिए आप लोग भी भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए ढेर सारा, कि आप लोग के भी फैमिली जो है हमेशा खुश रहे, बच्चे खुश रहे, है ना, बुरा संकट हमेशा टला रहे। आशीर्वाद लीजिए आप लोग भी और बोलिए हर हर महादेव। हैप्पी सावन फिर से। और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़े रहे इसके लिए दिल से थैंक यू, है कि नहीं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और एक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। बाय बाय।